लगातार बढ़ती महंगाई के इस दौर में तालीम का खर्च उठाना आसान नहीं है। जहां हुकूमत और इंतजामिया की लापरवाही से सरकारी स्कूलों से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, तो ऐसे में बेंगलुरु के सरकारी उर्दू प्राइमरी स्कूल की जदीदकारी अमल में आई है, जिसके सबब एक स्कूल खस्ता हालत से आज हाईटेक स्कूल बन गया है। देखिए रिपोर्ट। बेंगलुरु के चमराजपेट में वाकई सरकारी उर्दू प्राइमरी स्कूल बर्लिन अब नए अंदाज में बनाई गई है। चमराजपेट के एमएलए और साबिक वजीर जमीर अहमद खान ने 50 लाख का ग्रांट दिया, जिसके बाद इस उर्दू स्कूल को जदीद तौर पर बनाया गया। तालीमी शोबे में की गई इस बेहतरीन अमल से मकामी लोगों के साथ साथ स्कूल के बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं। पहले बहुत पुराने थे, अब ये बहुत नई है। क्या अच्छा लग रहा है? हमको पढ़ना अच्छा लग रहा है। ये स्कूल बहुत अच्छी है, जो स्कूल आने में बहुत अच्छा दिखता है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, स्कूल बन गया तो बहुत अच्छा। पहले था बहुत कम, अब थोड़ा अच्छा है। स्कूल आने का बहुत मन करता है स्कूल में। पहले अच्छी नहीं थी, बहुत गलीज थी, अब बहुत अच्छा हुआ। MLA साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है। जनाब विजिट जमीर अहमद खान साहब, उनके ग्रैंड से वो चाहते हैं कि एक यहाँ पर एक ऐसी हाईटेक उर्दू स्कूल, खासकर उर्दू से इतनी मया मोहब्बत रखते हैं और इस मोहल्ले के लोगों के लिए एक हाईटेक स्कूल देना चाहते हैं। नीचे फ्लोर था जहां पर बच्चों को दोपहर को खाने के बिठाने के लिए सहूलत नहीं थी, सारे का सारा टाइल्स करवा दिया और साथ साथ हमारे खासकर बच्चों के लिए एक रंगीन माहौल, एक रंगीन माहौल में जो है कलरफुल डेस्क अता किए उन्होंने, CCTV कैमरा लगाया और बाहर से बिल्डिंग को ऐसी शक्ल दी कि वो शक्ल देखते ही जैसा लगता है कि मैं कोई मॉल के अंदर जा रहा हूँ। क्लाइडिंग करवा के स्कूल का नाम उर्दू में लिखवा के बहुत सारा ऐसे छोटे छोटे काम किया। हर उस्ताद को बैठने के लिए चेयर और साथ साथ उसके अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन बोर्ड और व्हाइट बोर्ड और स्मार्ट क्लास भी वो मुहैया कर चुके हैं हम लोग। कर्नाटक के सरकारी उर्दू स्कूल की अच्छी तादाद मौजूद है, लेकिन सहूलियात की कमी की वजह से अक्सर बच्चे प्राइवेट स्कूलों का रुख करते हैं। अगर इस सरकारी स्कूल की तरह तमाम स्कूल बन जाए तो फिर यहाँ दाखिला लेने वालों की कोई कमी नहीं रहेगी। नए स्कूल का इफ्तिताह करने के मौके पर मकामी MLA जमीर अहमद ने कहा है कि वो अपने हलके के तमाम स्कूलों को ऐसे ही सहूलियात फराहम कराना चाहते हैं। पेंशन मोहन में बहुत जूनी स्कूल है, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 7th स्टैंडर्ड तक उर्दू स्कूल था इधर। यानी हालत इतनी ख़राब थी, कोई बच्चे लोग इधर आने को तैयार नहीं थे। पेरेंट्स क्यों, अगर अच्छी हालत में नहीं तो पेरेंट्स कोई भेजने को तैयार नहीं थे। वो आके लास्ट टाइम में 6 महीना पहले आके मायना करके वो उसको 50 लाख रुपये MLA ग्रांट में देखे, आज इतना बेहतरीन स्कूल बनाया है। अभी इसका पहले स्टैंड था 95, अब ये स्कूल अभी समझो ये कंप्लीट होके 3-4 दिन हुआ, इतने में ही अभी 50 का स्टैंड बढ़ गया। अभी जितने भी इधर टीचर्स हैं, BO है, उन लोग सब ने वादा किया आप इतना बेहतरीन स्कूल बना के दिए, आपसे हम वादा करते हैं अगली साल के अंदर कम अज़ कम इधर कम अज़ कम 1000 का स्टैंड करेंगे करके वादा किया। बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के प्राइवेट स्कूल में तालीम का खर्च उठाना आसान नहीं है। महंगाई पढ़ाई आम लोगों के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है। ऐसे में अगर सरकारी स्कूल ही अच्छी तालीम और सहूलियात फराहम कराए तो ये आवाम के लिए एक अच्छा तोहफा साबित हो सकता है। और जिस तरह से दिल्ली में सरकारी स्कूलों का एक जदीदकारी शुरू हो चुकी है, इसी तरह से कर्नाटक में भी शुरू हो चुकी है। यहाँ के जो मुकामी MLA है बीजर जमीर अहमद खान ने 50 लाख के ग्रांट से इस स्कूल को बनाया है, जदीदकारी की है। और इस स्कूल को बनने के बाद में आज इसका इफ्तिताह हुआ और पहले ही दिन से यहाँ की जो एडमिशन है उसमें काफी उछाल आया है। आसपास के बच्चे जो है यहाँ एडमिशन करा रहे हैं और ज्यादातर बच्चे उर्दू सीखना चाहते हैं, लेकिन सही इंतजाम नहीं होने की वजह से लोग जो है अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में दाखिला लिया करते थे। लेकिन यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने खुशी का इजहार किया है कि सरकारी स्कूल जो है क्या इस तरह से भी बनाई जा सकती है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।